पिताजी हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था, और सरकार द्वारा भी और भारतीय सेना में सेवा के दौरान इनको मतलब एक सिपाही से भर्ती होकर और जो सबसे बड़ा पद होता है ऑनरी कैप्टन का, उनसे इनको नवाजा गया है, जिन्हें 1971 की लड़ाई में संग्राम मेडल से भी इन्हें नवाजा गया है। अब जुलाना को उपमंडल दर्जा देने के बाद हमें कहीं ना कहीं ये फील होता है कि 1971 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सैनिक आज भी जीवित हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं उन्हें भूल जाता है। भले ही वो शहीदों को याद कर लेते हैं, लेकिन जिन शहीदों की बदौलत हमें आज़ादी मिली है, उन्हीं शहीदों के साथ साथ वो कुछ लोग आज भी जीवित हैं 71 लड़ाई वाले, उन्हें भी उन्हें याद करना चाहिए ताकि उनका भी मान सम्मान बना रहे, उनके अंदर भी एक जोश की भावना बनी रहे। ये पिछले 7 महीने से ब्रेन हेमरेज की बीमारी से परेशान है और 7 महीने से ये भी खा पी भी नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आवाज़ इनकी चली गई है इनको। लेकिन जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो इनके अपनी ड्रेस और स्टार इनको याद आते हैं, कंधे पे लगे सितारे याद आते हैं। देश के लिए आज भी इनके अंदर मर मरने का जज्बा होता है और टीवी पर भी अगर कोई प्रोग्राम होता तो इनके अंदर एक जोश भर जाता है। भले ही ये बोल ना पाते हो लेकिन एक जोश के कारण ये आज भी उनको अपने दिनों को याद कर कर लोग हमें बताने की कोशिश करते हैं। सरकार को भी चाहिए और प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को कभी मौका मिले तो याद कर लेना चाहिए। क्या अनदेखी हो रही है आपकी? बिल्कुल, जुलाना की हमें पिछले 2 प्रोग्राम की बात करें, 26 जनवरी की बात करें या आज 15 अगस्त की बात करें, तो किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को वहाँ बुलाया भी जाता है, शहीदों को बुलाया जाता है, उनका सम्मान भी किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग जीवित हैं आज, चाहे भले वो 71 की लड़ाई के हैं, कारगिल लड़ाई के हैं, तो उन्हें भी एक सम्मान देना चाहिए ताकि उन लोगों को लगे कि उनका भी रिटायरमेंट के बाद प्रशासन के अंदर कहीं ना कहीं इज्जत है। तो आपके पिता को निमंत्रण नहीं मिला? हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई प्रशासन द्वारा या निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन आज इनका 15 अगस्त है, इन्होंने आज भी अपनी ड्रेस पहनी है, ये बीमार हैं, बेड पर हैं, लेकिन इनके अंदर जो जज्बा है ना 15 अगस्त और 26 जनवरी का, वो कम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे बुलाओ भाई, इनको ये लग रहा था कि कहीं ना कोई मैसेज आएगा तो मुझे ले चलिए बच्चे, लेकिन इनको नहीं मिला तो ये घर पे ही है। तो अनदेखी हो रही है आपकी? बिल्कुल अनदेखी की जा रही है प्रशासन द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों में, तो पूर्व सैनिकों को जरूर याद करना चाहिए। आपके पिता का क्या नाम है? कैप्टन धूप सिंह है, जो सिग्नल कोर से रिटायर हुए हैं, करीबन इन्हें 23-24 साल रिटायर हुए हो गए हैं और अभी भी ये अपनी उन दिनों को याद करके हमें बताने की कोशिश करते हैं कि फौज क्या चाहती है। शहीद हुए लोगों की विधवाओं को या उनके परिवार के लोगों को आज सम्मानित किया गया आपके द्वारा, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। शहीदों को तो सम्मान कर दिया गया, लेकिन जो लड़ाई के दौरान जो कुछ सैनिक थे वो आज भी जुलाना में है, उनका कहीं कोई नाम नहीं है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, कुछ चीजें वो प्रशासनिक लेवल पे होती है जी। जिन जिन लोगों की सूची भारत सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तय होती है, उसी सूची के अनुरूप वो काम किया जाता है। अब अगर कोई इस तरह के नाम वाकई में अगर बच गए जानकारी में, तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर ऐड करना चाहिए, और अगर कोई ऐसा बचा है तो मैं जिला प्रशासन की तरफ से उसके लिए सॉरी फील करता हूँ और कहता हूँ कि हमारे जो यहाँ पे SDM साहब है, कुछ ऐसे परिवार अगर बचे हैं तो उनको बुलाएं या उनके घर जाकर उनको सह सम्मान दे के आएंगे। अगर कुछ ऐसी सूची है तो आप हम लोगों को उपलब्ध करा दें। एक ही वो सैनिक है जो जीवित है और आपकी 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 अगर कोई जानकारी में इस तरह का परिवार है, हो सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर में कहीं चूक रह गई होगी या नहीं किसी ने बताया होगा या नहीं ध्यान में रहा होगा, आपको अगर जानकारी में तो आप SDM साहब से मिलकर एक बार उनके घर तक जरूर जाएंगे, वो सह सम्मान